दहेज प्रथा को हम लोगों ने अपने कानून से समाप्त किया। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है। मोदी जी ने धारा 370 समाप्त किया, 35A को हटा दिया। वो आ चुके हैं हमारे देश में है, उनको मोदी जी ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत का नागरिक बनाने का तय किया है। बड़े लंबे समय से ये कुरीति चली आई थी ट्रिपल तलाक की, उसको भी मोदी जी के सरकार ने सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। आर्टिकल 370 गिव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर। नो, यह सच्चाई नहीं है, यह एक ऐतिहासिक झूठ है। हर मुश्किल को मात देना उन्हें आता है। सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी इच्छा शक्ति और उनकी दृष्टि और उनकी दिशा, जिसके सूत्रधार बने भारत के गृह मंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी, उन्होंने पार्लियामेंट में सिटीजन अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन बिल, और उसको पास किया। उसके पास करने के कारण आज बड़ी संख्या में जो बांग्लादेश से, जो अफगानिस्तान से और जो पाकिस्तान से हमारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी भाई, जिनकी धार्मिक आधार पर प्रताड़ना हो रही थी और जो शरण लेने के लिए भारत में आए थे, उनको नागरिकता प्रदान की गई है और ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है। शांत रहकर चुनौतियों से जूझना उनका अंदाज है। मोदी जी ने धारा 370 समाप्त किया, 35A को हटा दिया, अब वहां डीलिमिटेशन होगी, परिसीमन होगी और पहली बार लोकसभा में ट्राइबल नेता वहां से चुन के लोकसभा में जाएगा और विधानसभा में पहुंचेगा, यह परिस्थिति आएगी। विरोधियों का चक्रव्यूह तोड़ने में वो माहिर हैं। दहेज प्रथा को हम लोगों ने अपने कानून से समाप्त किया और बड़े लंबे समय से ये कुरीति चली आई थी ट्रिपल तलाक की, उसको भी मोदी जी के सरकार ने सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया और हमारी बहनों को, मुस्लिम बहनों को इज्जत के साथ जीने का अधिकार दिया, ताकत दी, समर्थन दिया, इसको हमको समझना चाहिए। चुपचाप काम करते रहना उनकी आदत है। आर्टिकल 370 गिव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर। नो, यह सच्चाई नहीं है, यह एक ऐतिहासिक झूठ है और लोगों ने गलतफहमी फैलाने के लिए यह कहा कि यह स्पेशल स्टेटस मिला। 24 घंटे की कार्य संस्कृति उनकी शैली में शुमार है। वो आ चुके हमारे देश में है, उनको मोदी जी ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत का नागरिक बनाने का तय किया है। और वो कौन है? सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, क्रिश्चियन है, इनको इनको नागरिकता देने का हम लोगों ने तय किया है। ये नागरिकता, अब इसमें एक बात समझनी चाहिए, ये जो लोग बोलते हैं कि मुस्लिम को क्यों नहीं ऐड कर दिया, देखिए भारत है में मुस्लिम माइनॉरिटी है और पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई माइनॉरिटी है, वहां मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है, उनका इस्लामिक धर्म उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इसलिए धार्मिक आधार पर उनकी प्रताड़ना नहीं होती है, प्रताड़ना होती है तो हिंदू की होती है, बौद्ध की होती है, सिख की होती है, ईसाई की होती है, इसलिए उनकी हम रक्षा कर रहे हैं, इस बात को हमको समझना है। 18 करोड़ कार्यकर्ताओं के नए बॉस JP नड्डा। बहुत स्वागत है आप सभी का R9 TV में, मैं हूं जब्बार खान। करीब 7 महीने कार्यकारी अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद जगत प्रकाश नड्डा को BJP का अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष पद के चुनाव में वो निर्विरोध चुने गए। JP नड्डा BJP के 11वें अध्यक्ष बने हैं और इस दौरान गृहमंत्री और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह उनके साथ रहे। मिठाई खिलाकर अमित शाह ने JP नड्डा को नई पारी की शुभकामनाएं दी।
इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता पार्टी मुख्यालय में मौजूद भी रहे, कैसे खुद देखिए। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी वर्ष 2019-22 के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सर्वानुमति से निर्वाचित हुए। मैं श्री जगत प्रकाश नड्डा को सत्र 19-22 के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित घोषित करता हूं। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बने चमचमाते दफ्तर से जब जगत प्रकाश नड्डा के बीजेपी अध्यक्ष बनने की खबर आई तो सेंट्रल हॉल में बैठे बड़े नेताओं की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़ों पर नाचते कार्यकर्ताओं के कदमों की थाप भी और तेज हो गई। बड़ा पार्टी है, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी है, प्रजाप्रभुत्व का एक करने वाले एक ही पार्टी कोई भी दुनिया में आई तो वो भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए मैं नया अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इससे पहले अपने नए नायक की ताजपोशी का साक्षी बनने के लिए दूर दूर से आए कार्यकर्ताओं का सैलाब बीजेपी दफ्तर के सामने उमड़ने लगा। दिन बड़ा था, मौका खास था, लिहाजा इस अवसर पर जेपी नड्डा भी पत्नी मल्लिका नड्डा के साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहले से ही अपने नए अध्यक्ष का इंतजार कर रहे थे। आज हम सबके लिए बहुत विशेष दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और पूरा परिवार हिमाचल प्रदेश बिलासपुर सभी लोग आज बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी एक छोटे से प्रदेश के व्यक्ति पर सौंपी गई है और हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर शक्ति दे इस जिम्मेवारी को निभाने की। बीजेपी दफ्तर पहुंचने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सेंट्रल हॉल पहुंचे। यहां अध्यक्ष पद के चुनाव की सारी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई, जिसके बाद चुनाव प्रभारी राधामोहन सिंह ने नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी वर्ष 2019-22 के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सर्वानुमति से निर्वाचित हुए। मैं श्री जगत प्रकाश नड्डा को सत्र 19-22 के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित घोषित करता हूं। नाम के ऐलान के बाद जेपी नड्डा और अमित शाह मंच पर पहुंचे, जहां उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा गया। पत्र मिलने के बाद सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता राधामोहन सिंह ने गुलदस्ता देकर जेपी नड्डा को अध्यक्ष पद की बधाई दी। इसके बाद अमित शाह ने गुलदस्ता देकर बधाई की रस्म निभाई और अध्यक्ष पद की सारी जिम्मेदारी जेपी नड्डा को सौंप दी। जेपी नड्डा ने भी गृह मंत्री अमित शाह को गले लगाकर आभार जताया। सर, माननीय जयप्रकाश नड्डा जी के भी नेतृत्व में दिल्ली से जीत का सिलसिला शुरू होगा और हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएगा। प्रमाण पत्र लेने के बाद दोनों नेता मुख्यालय में बने बीजेपी प्रेसिडेंट के ऑफिस पहुंचे, जहां जेपी नड्डा ने आधिकारिक तौर पर बीजेपी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। माननीय नड्डा जी को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और नड्डा जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश के जो चुनाव है यहां से हम लोग विजय अभियान का प्रारंभ करेंगे और यह विजय अभियान आगे निरंतर जारी। इस दौरान अमित शाह ने नए अध्यक्ष के गले में अंगवस्त्र डालकर मिठाई खिलाकर नई पारी की शुभकामनाएं दी। अमित शाह के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंगवस्त्र भेंट कर नई जिम्मेदारी की बधाई दी। बारी बारी से बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने भी अपने नए बॉस को बधाई दी। जेपी नड्डा को निर्विरोध बीजेपी के नया मुखिया बनाया गया। वो साल 2023 तक बीजेपी के बिग बॉस बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 2 दिसंबर 1960 को बिहार की राजधानी पटना में जेपी नड्डा का जन्म हुआ। कम उम्र से ही वो सियासी गतिविधियों में शामिल होने लगे।
15 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया तो जेपी नड्डा ने बड़ी भागीदारी निभाई। ये क्रांति जेपी नड्डा के राजनीतिक सफर की शुरुआत रही। 1977 में एबीवीपी में छोटे कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हुए और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिमाचल के छोटे शहर से उठकर सियासत का संघर्ष भरा सफर तय करना और फिर स्वास्थ्य मंत्री से लेकर दुनिया के सबसे बड़े सियासी संगठन की जिम्मेदारी निभाना, यह सफर आसान तो नहीं, मगर इस कठिन डगर पर अड़िग रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के स्वाभिमान का दूसरा नाम बन चुके हैं जगत प्रकाश नड्डा। मजबूती प्रदान करने का काम अमित भाई शाह जी ने पार्टी का संगठन को जोड़ करके जो चलाया है वह विशेष रहा। और अमित भाई का कहना है कि अभी पार्टी ने उत्कर्ष देखना बाकी है, अभी पार्टी को और अच्छा काम करना है और आगे बढ़ना है। बदलते वक्त की बिसात पर संघर्ष की ये भूचाल है जिसमें साल 1977 में एबीवीपी ज्वाइन करने वाला शख्स आज 18 करोड़ सैनिकों का सेना नायक बन बैठा है। सौम्य व्यवहार, कुशल रणनीतिकार और संगठन में मजबूत पकड़ की बदौलत नड्डा बीजेपी के नए बॉस बन चुके हैं। अमित शाह ने अपने हटने के पहले ही पूरी तरीके से देश भर में टीम तैयार करके उनको दे दी है। सारे प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होने के बाद उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका चुनाव हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि टीम रहेगी अमित शाह की और काम करना पड़ेगा नड्डा को। जेपी नड्डा ने बीजेपी के 11वें नायक के तौर पर कमान संभाली है। अमित शाह के उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हें बीजेपी की बागडोर मिली है। ऐसे में सवाल ये लाजमी है कि क्या वो बीजेपी को शाह की जीत वाली राह पर कायम रख पाएंगे, क्या शाह की तरह उनकी पारी में भी बीजेपी जीत का सिलसिला जारी रख पाएगी। इन सवालों के जवाब तो आने वाले कल पर निर्भर हैं, मगर इतना जरूर है कि जेपी नड्डा को उस वक्त बीजेपी का बॉस बनाया गया जिस वक्त बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड जैसे दो बड़े राज्य गवा चुकी है। मेरा विश्वास है कि नड्डा जी का यशस्वी नेतृत्व भविष्य में हम सबको उचित मार्गदर्शन करेगा और पार्टी को और आगे की ऊंचाई पर पहुंचाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि जीत की राह में जेपी का सफर मुश्किल भरा रहने वाला है, मगर सियासी गलियारों में ये भी कहा जाता है कि बीजेपी के नए सेनापति प्रखरता के पथ चलते हुए ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं जिसे भेदना विपक्ष के पास की बात हरगिज नहीं। नड्डा के सामने हर मुद्दे पर विपक्ष चारों खाने चित होने पर मजबूर हो जाता है। हमारे आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी मृदुभाषी हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, साथ ही मिलनसार ही नहीं कुशल वक्ता भी हैं, लेकिन निर्णय लेने की जहां पर आवश्यकता होती है दृढ़ता से निर्णय लेने में भी हमारे जेपी नड्डा नहीं चूकते हैं। ऐसे जेपी नड्डा जी इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में बीजेपी कुछ अच्छा कर नहीं पाई, लिहाजा जेपी नड्डा के सामने चुनौतियों भरा सागर है। पार्टी के नए सेना नायक आने वाले दिनों में अपने पुराने अनुभवों से सागर को पार करने की कोशिश करते नजर आएंगे। नड्डा जी आइए, आप मोदी जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी का मार्गदर्शन करिए और पूरी पार्टी को अनछुए लक्ष्यों तक ले जाने का आपको प्रभु सफलता दे, इस प्रकार की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। पटना में जन्मे जेपी नड्डा की छवि पार्टी के बीच बेहद सरल स्वभाव वाली है। उनके बारे में कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल को मुस्कुराते हुए हल करने में वो माहिर हैं और सौम्य व्यवहार के चलते वो मोदी और शाह के भरोसे मंद माने जाते हैं। व्यवस्थाएं चाहिए, कार्यालय की रचना हो, प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, टेक्नोलॉजी का उचित उपयोग हो, विश्वव्यापी संपर्क की आवश्यकता हो, ऐसे हर पैरामीटर पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें जमाई, अपनी जगह बनाई है और इस काम में
अमित भाई का कार्यकाल हमेशा हमेशा याद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की दोस्ती दशकों पुरानी है। साल 1991 से ही पार्टी के प्रमुख नेता एक दूसरे को जानते हैं। अभिनंदन समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दशकों पुरानी दोस्ती का जिक्र भी किया। नड्डा जी सब बहुत पुराने साथी रहे हैं। नाम भी भेज दिया मैंने, मिल गए। कभी स्कूटर पर बैठ करके काम किया है साथ में, कितने साल हुए होंगे। हेलो, लंबे अरसे तक मुझे हिमाचल में काम करने का मौका मिला और इसके कारण भी एक साथी के रूप में उनके साथ काम करता था। मैं जब पार्टी का संगठन देखता था तो वो युवा मोर्चा का काम देखते थे। अध्यक्ष के लिए मोदी और शाह की पहली पसंद रहे जेपी नड्डा ने अपना राजनीतिक सफर एक छोटे कार्यकर्ता के रूप से ही शुरू किया। जेपी नड्डा को करीब से जानने वाले बताते हैं कि 1975 की संपूर्ण क्रांति में उन्होंने जमकर हिस्सा लिया। इसके बाद वो एबीवीपी से जुड़ गए। शुरुआती दिनों में उन्होंने एबीवीपी में खूब मेहनत की, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो संगठन के नेताओं की नजरों में आ गए। पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए शिमला चले आए। यहाँ उन्होंने एलएलबी में दाखिला लिया। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद 2019 में जेपी नड्डा को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। अब नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि संगठन में उपाध्यक्ष सचिव समेत कई और बदलाव भी हो सकते हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव रिसेंटली हुए हैं, इसलिए अब पार्टी नए प्रदेशों पर फोकस करेगी जहां अब तक बीजेपी अपने पैर नहीं जमा पाई है। ये वो वक्त था जब शिमला की हिमाचल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। ऐसे में बीजेपी ने नड्डा को पटना से शिमला भेजा। ये नड्डा का ही कमाल था जो हिमाचल यूनिवर्सिटी से पहली बार एबीवीपी के अध्यक्ष चुने गए। छात्र सत्र में रहकर उन्होंने कई काम किए और हिमाचल में संगठन की पकड़ को मजबूत बनाया। उनके संघर्ष के चलते संगठन के नेतृत्व ने साल 1989 में एबीवीपी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए। 1990 में बीजेपी में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी मिली। 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। साल 1993 में जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बिलासपुर सीट से चुनाव लड़ा और सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद उन्हें प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया। जगत प्रकाश साल 1993 से 98, 1998 से 2003 और 2007 से 2012 तक विधायक रहे। 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बने। 2012 में हिमाचल से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 2013 में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में फिर राष्ट्रीय महामंत्री बने। 2014 में केंद्रीय चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य बनाए गए। 2014 में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यभार भी दिया गया। करीब 8 महीनों से बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कामकाज संभाल रहे नड्डा के हाथ में अब पार्टी की कमान है। कहते हैं कि पद अपने साथ जिम्मेदारी, जवाबदेही और चुनौतियां लेकर आता है और ये चुनौती तब और बढ़ जाती है जब नड्डा के सामने अमित शाह द्वारा खींची गई एक लंबी लकीर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो छात्र राजनीति से लेकर के अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन के बदौलत जेपी नड्डा ने बीजेपी की आलाकमान का भरोसा जीता और आज बीजेपी की कमान जेपी नड्डा के हाथों में है।
जेपी नड्डा बीजेपी के 11वें अध्यक्ष बन चुके हैं। छोटे से कार्यकर्ता से बीजेपी अध्यक्ष तक का सफर बेहद संघर्ष भरा रहा। इस सफर में उन्होंने तमाम मुश्किलों का सामना किया। छात्र संघ कार्यकर्ता से यूथ बीजेपी के अध्यक्ष बने, विधानसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभाली, सरकारों में भी मंत्री पद की भूमिका निभाई और अब वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पद पर हैं, यानी कि अध्यक्ष हैं। लिहाजा चुनौतियां भी बड़ी हैं। नड्डा के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं जिनसे उन्हें पार पाना है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है। मोदी जी ने धारा 370 समाप्त किया, 35A को हटा दिया। आर्टिकल 370 गिव्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर। नो, यह सच्चाई नहीं है, यह एक ऐतिहासिक झूठ है। राजनीति का ये वो रंग है जिसे जेपी नड्डा अपनी शैली से गढ़ना जानते हैं। विरोध की आंधी में समर्थन का दीप जलाने की जिद नड्डा को बीजेपी का नया नायक बनाती है। व्यवहार, व्यक्तित्व और इच्छा शक्ति के सहारे वो अब बीजेपी के नए बादशाह बन चुके हैं। मुझ जैसा व्यक्ति, साधारण कार्यकर्ता, जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड परिदृश्य नहीं हो, कोई पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति का ना हो, वो हिमाचल के सुदूर गांव से आकर इस जिम्मेवारी को उसको ये जिम्मेवारी अगर मिलती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता भी है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, इसको हमको समझना चाहिए। नया बॉस मिलने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उन्हें उम्मीद है और आशा है कि नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी। बहुत अच्छा कार्य करेंगे। हिमाचल से संबंधित है, हम भी हिमाचल से ही हैं। ये बहुत अच्छे, इन्होंने हिमाचल में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। ये अपना जो कार्यकाल है, जो भी इन्हें जिम्मेवारी दी गई है, बखूबी निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को और भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। 2022 तक बीजेपी की बागडोर संभालने वाले नड्डा के सामने कई चुनौतियां हैं। जहां उन्हें एक और मोदी और शाह के भरोसे पर खरा उतरना है, वहीं दूसरी ओर सरकार और संगठन के रिश्तों को कायम रखना है। हालांकि नड्डा उस वक्त भी पार्टी नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हर कोई उत्तर प्रदेश में गठबंधन के आगे बीजेपी की हार का दावा कर रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन होने के बाद माना जा रहा था कि बीजेपी 30 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। ऐसे में मोदी और शाह की जोड़ी ने जेपी नड्डा पे दांव खेला और उन्हें यूपी की कमान सौंपी, जिसका परिणाम ये हुआ कि महागठबंधन को चित करते हुए नड्डा ने 62 सीटों पर जीत दिला दी। मुश्किल से मुश्किल काम को चुनौती के तौर पर लेना और सफल ना होने तक उसमें ही रमे रहना जेपी नड्डा की रिवायत रही है। मगर इस बार चुनौती पहले से ज्यादा है। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर उनकी पहली परीक्षा है फरवरी में होने वाला दिल्ली विधानसभा का चुनाव। चुनाव से पहले सियासी हवा बीजेपी के पक्ष में ज्यादा नजर नहीं आ रही। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मात देना आसान नहीं है। ऐसे में दिल्ली फतेह के लिए नड्डा को एक नए नियम को सोच समझकर बनाना होगा। हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में जो चुनौतियों को सफलता में तब्दील करता है। तो एक सामूहिक नेतृत्व हमारे यहाँ है और जो चुनौतियों की आप बात कर रहे हैं, हर दिन चुनौतियाँ होती हैं और चुनौतियों को सफलता में तब्दील करने की क्षमता हमारे संगठन में है, हमारे पास जो हमारा नेतृत्व है मोदी जी ग्रुप में उनमें है। दिल्ली के अलावा बिहार और बंगाल में भी बीजेपी जेपी नड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। सारा दारोमदार उनके ही कंधों पर होगा। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार से समन्वय स्थापित करना हो या फिर बंगाल में बीजेपी की जीत दर्ज करवानी हो, बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष के लिए ये आसान नहीं होगा। मैं एक ही बात का उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी ताकत सामर्थ्य मेरे में होगा, दिन रात एक करके मेहनत की प्रकाष्ठा करते हुए, और मेहनत की प्रकाष्ठा खुद ही नहीं, आप सब लोगों के साथ मिल करके करते हुए
भारतीय जनता पार्टी को उत्कर्ष की स्थिति में ले चलेंगे, इस बात का आपको विश्वास है। जेपी नड्डा कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। कहा जाता है उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने के सारे गुण शाह से ही सीखे हैं। ये भी कहा जाता है कि 2014 से अब तक जेपी नड्डा ने अमित शाह से बहुत कुछ समझा है, इसलिए आने वाली राह उनके लिए मुश्किल नहीं होगी। साल 2021 में तमिलनाडु और केरल में भी चुनाव होना है। बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक चाहेंगे कि पार्टी नड्डा के नेतृत्व में दक्षिण में भी परचम लहराए। इसके अलावा बड़बोले नेताओं पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी, पार्टी और उससे जुड़े संगठनों में बेहतर तालमेल, संगठन में बदलाव के लिए नई रेखा तैयार करना और भविष्य में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होने वाले चुनावों में जीत हासिल करना, इसकी जिम्मेदारी भी नड्डा के कंधों पर ही होगी। इनमें सबसे बड़ी चुनौती है संगठन में बदलाव की, क्योंकि शाह की टीम ने देश में कई विधानसभा चुनाव जीते थे, लिहाजा नड्डा की टीम भी चुनाव में ऐसे ही नतीजे ला सके इसके लिए जरूरत है सक्षम नेताओं की, सेना तैयार करने की। इसके अलावा बौद्धिक मोर्चों पर अध्यक्ष को नेताओं कार्यकर्ताओं की संख्या और उनकी गतिविधियां बढ़ानी होंगी। बहरहाल सर्वसम्मति से नए सिकंदर बने जेपी नड्डा अगले 3 साल के लिए बीजेपी के बिग बॉस बन चुके हैं। उनके सामने चुनौतियों की भरमार है। चुनाव से लेकर सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना मुश्किल भरा सफर है, लिहाजा जेपी नड्डा मुश्किल भरे पहाड़ को तोड़कर बीजेपी के नए माझी बनना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो कुछ ऐसा रहा छात्र राजनीति से लेकर के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कमान संभालने तक का जेपी नड्डा का सफर। अभी की इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए R9 टीवी, सिर्फ खबर के लिए।